हैं आप लोग, स्वागत है आपका टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ जनरल साइंस की क्लास लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवालों को। दोस्तों ये जूनियर सी टेट यूपी टेट एस्टेट इन परीक्षाओं के लिए आप हेलो टीचर्स यूट्यूब चैनल पर को मतलब वहाँ पर सी टेट यूपी टेट एस्टेट जैसे परीक्षाओं के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। डी ट्रिपल एस पी के वी एस एन वी एस सुपर टेट इनकी प्रिपरेशन के लिए आप टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर वीडियोज देख सकते हैं। प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं आप, जिसमें दोस्तों कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलता है, एग्जॉस्टिक कवरेज ऑफ सिलेबस मिलता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। आप अनअकैडमी के बैच कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। सी टेट 2021 के लिए एम सी टेट बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 25 अगस्त से, जिसमें ये डिफरेंट फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गाइड कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पर जाकर आप सी टेट एस्टेट और यूपी टेट जैसे मतलब एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप डी ट्रिपल एस बी सुपर टेट के वी एस एन वी एस ए बी एस अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप या तो 12 या 24 मंथ इसे आप ऑप्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप ये कोड यूज कर यहाँ पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, यानी कि आप इसी अमाउंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है, जिसमें कि आप इसी अमाउंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में मंथली भी पे कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। दोस्तों बक्स बाउंड्री याद रखना है, अगर आप किसी भी अनअकैडमिक वीडियो में इन अप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो, और अगर आप उसे पहले पर्सन होते हैं उसे आप रिपोर्ट करने वाले, तो अनअकैडमी की ओर से आपको प्राइस दिया जाता है, ठीक है। यूपी टेट के नए पैटर्न पर आधारित कंप्लीट फ्री लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है कहाँ पर, यूट्यूब पर, हेलो टीचर्स यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की टाइमिंग आप देख सकते हैं, जिसमें साइंस की क्लासेस आपकी होती है 11 AM पर और 12 PM पर दोस्तों आपकी मैथ की क्लासेस होती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हेलो वात्सला जी, पुनीत जी, सोनम जी, फॉरएवर जी, आभा जी, निक गुप्ता जी, सविता जी, शिवस्तुति जी, चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग कुल 50 questions हम लोग देखने वाले हैं, कुल 50 सवाल हम लोग देखने वाले हैं और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। विच मेटल एग्जिस्ट एज एन कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, पीतल, कांस्य, जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है, एंटीमनी, कॉपर, टिन और जिंक, फटाफट आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हाँ जी सभी लोग इसका उत्तर दें और सेशन को सभी बच्चे अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है पीतल, देखो पीतल जो है यानी ब्रास, ब्रास में क्या होता है कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज में क्या होता है दोस्तों कॉपर एंड एसन, और आपका जर्मन सिल्वर यहाँ पर क्या होता है कॉपर, जिंक एंड निकल, है ना, यही होता है ना जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, सिल्वर नहीं होता, यानी कि सही उत्तर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉपर। और कॉपर की बात करते हैं, इट इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, मनुष्य के द्वारा यूज की गई पहली धातु है कॉपर। कॉपर के अयस्क क्या है, क्यूपराइट है, चैल्कोपायराइट है, कॉपर पायराइट है, मैलाचाइट है, ये सभी किसके कॉपर के ओर हैं। टिन की जब बात करते हैं दोस्तों, टिन को डिनोट करते हैं लोग एसन से, इसका एटॉमिक नंबर है 50। और एंटीमनी, एंटीमनी का दोस्तों जो धातु है एंटीमनी, इसका जो अयस्क है उसका नाम क्या है, स्टेबनाइट, क्या नाम है, स्टेबनाइट, इस चीज को भी आपने याद रखना है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है रेटिना, द इमेज फॉर्मड ऑन रेटिना इज, रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब दीजिए कि जो रेटिना पर आपका इमेज बनता है, आपको पता है रेटिना पर ही हमारे शरीर में जो इमेज बनता है आंख में, हमारे आंख में जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है, रेटिना पर, ठीक है। और रेटिना पर जिस पॉइंट पर इमेज बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट, है ना। और याद रखिएगा रेटिना पर जो इमेज बनता है वो आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और कैसा बनता है, आपका इन्वर्टेड बनता है,
ठीक है, यानी सही उत्तर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी बताइए, ठीक है आगे चलूं, यहां तक क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हु इज द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने करी, ये आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हु इज द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने करी, पेनिसिलिन की खोज किसने करी आपको बताना है, बताइए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसमें खोजा था, तो पेनिसिलियम नॉटेटम नामक फंजाई में। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने दोस्तों क्या खोजा था, इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसकी खोज किसने करी थी, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों क्या, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन बी फाइव इज कॉल्ड, विटामिन बी फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, रेटिनॉल और टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेशन को सभी लोग शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें। विटामिन बी फाइव क्या कहते हैं उसे, विटामिन बी फाइव को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर फाइव, फाइव से याद रखिएगा पैंटोथेनिक, ठीक है ना, फाइव से आपने क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर पैंटोथेनिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन बी नाइन। ठीक, रेटिनॉल दैट इज विटामिन ए या एंटी इन्फेक्शन विटामिन, टोकोफेरॉल विटामिन ई या जिसे हम कहते हैं एंटी स्टारलेटी विटामिन या फिर इसे ही कहते हैं ब्यूटी विटामिन, है ना, क्लियर है पॉइंट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन इनो सॉल्ट इज पोर्ड इन टू द वॉटर, बबल्स फॉर्म विच इज ड्यू टू, कहा जा रहा है जब आप इनो नमक को पानी में डालते हैं तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण या फिर H2 गैस के कारण। ठीक है, बुलबुले क्यों बनते हैं, सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है कि बुलबुले क्यों बनते हैं, बबल्स किस गैस के कारण फॉर्म होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बबल का जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर में यानी अग्निशमक यंत्रों में भी होता है। अच्छा, अग्निशमक यंत्रों में दोस्तों याद रखिएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज होता है, जिसे हम पायरीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, सोडा वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की जब बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस को किसने खोजा है, ये दोस्तों खोजा है प्रिस्टल ने, और ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा होता है और हमारी बॉडी में भी सबसे अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों एक विषैली गैस है, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप वाटर मिलाते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप हाइड्रोजन मिलाते हो तो वाटर गैस बनाता है, अगर नाइट्रोजन मिलाते हो तो प्रोड्यूसर गैस बनाता है, क्लोरीन मिला देते हो तो फास्जियन गैस बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हेमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, ये भी आपने याद रखना है। हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो इसकी खोज करी है कैवेंडिश ने, इसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर या इसे आवारा तत्व भी कहते हैं, ये सबसे हल्की मतलब ये सबसे हल्का तत्व भी है, और याद रखिएगा दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और हाइड्रोजन के बारे में ये भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के नाम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस चीज को भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनो की जब बात करते हैं दोस्तों, इनो सॉल्ट जो होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 होता है। जब हम बात करते हैं दोस्तों एप्सम सॉल्ट, तो मेरा प्रश्न है आपसे एप्सम सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, बताइए एप्सम सॉल्ट का क्या सूत्र है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, एप्सम सॉल्ट का क्या सूत्र है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट। हाँ जी, एप्सम सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा दैट इज MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इसे कहते हैं हम लोग एप्सम सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज,
एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। सेशन को आप लोग शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें, है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं प्रिज्म से जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म से अब जब दोस्तों लाइट को पास करते हैं तो आपको पता है सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट का, सबसे कम डेविएशन होता है किसका? रेड का। और ये दोस्तों विबग्योर होता है, विबग्योर, जिसमें कि दोस्तों इन बिटवीन क्या होता है आपका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रेड का डेविएशन सबसे अधिक क्यों, सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि रेड का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, जबकि वॉयलेट का डेविएशन इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ काफ़ी कम और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। लेकिन ये जो घटना होती है ना, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ऐसा किसने कहा था कि जो सनलाइट होता है या जो वाइट लाइट होता है वो सात रंगों का मिश्रण होता है, या फिर इसी प्रकाश के परिक्षेपण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको दोस्तों किसने ढूंढा था, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, यह आपसे पूछा जाए। बताइए किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, फटाफट बताएं। हाँ जी चलिए सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, न्यूटन ने, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। सभी लोग इसका जवाब देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? POP। सिंपल है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लाइम स्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं इसे। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइम, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट, इसे दोस्तों किडनी स्टोन, किडनी स्टोन जो होता है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसे दोस्तों रिमूव कौन करता है? मैग्नीशियम नामक तत्व इसे रिमूव करता है। कैल्शियम सल्फेट हमी हाइड्रेट CaSO4 × 1/2 H2O, ये फॉर्मूला होता है किसका दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बनता कैसे? जब जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब जाकर आपका पीओपी बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट हमी हाइड्रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ द पैनक्रियाज इज डिफेक्टिव, क्या होगा यदि अग्नाशय खराब है? डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर नॉट फॉर्म्ड, ब्लड फॉर्मेशन विल स्टॉप, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा? अगर आपका पैनक्रियाज गड़बड़ है तो उससे क्या होगा, यह आपको पूछा जा रहा है। पैनक्रियाज आपको पता है एक मात्र हमारे शरीर का मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन एक साथ करती है, ठीक है, है ना। जब हम बात करते हैं दोस्तों पैनक्रियाज की, तो अगर पैनक्रियाज खराब होगा तो आपको पता है पैनक्रियाज के बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन और अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागन अमल नामक सिक्रेट होता है, यानी दोस्तों इस दोनों का सिक्रेशन नहीं होगा। इट मीन्स इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोडा वाटर वॉज इन्वेंटेड बाय, सोडा पानी का आविष्कार किसने किया? सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यह आपको पूछा जा रहा है। तिवादा पुस्कास, जोसेफ प्रेस्टले, पैट्रिक के पोइनारू या फिर जेम्स लोनार्ड प्लिम्पटन, फटाफट उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, सोडा वाटर, सोडा वाटर में दोस्तों याद रखना है एक एसिड होता है H2CO3, यानी जिसे हम कहते हैं कार्बनिक एसिड, और इसकी खोज किसने करी है? जोसेफ प्रेस्टले ने, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द मास ऑफ प्रोटोन एंड मास ऑफ डैस इज सेम, प्रोटोन का द्रव्यमान और डैस का द्रव्यमान समान है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आइसोप्रोन या फिर अल्फा पार्टिकल। बताइए प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान सेम होगा? हाँ, ऑक्सीजन का भी प्रेस्टले ने करा था, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है, उत्तर दीजिए इसका, क्या सही उत्तर होगा? प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन की खोज किसने करी है? गोल्डस्टेन ने, नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन और किसका, न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो सेम होता है, कितना होता है? इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसी के बराबर होता है, ठीक है। और इसका कितना मास होता है तो आपको पता होना चाहिए, कितना मास होता है इसका, बताइए।
हाँ जी, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम और 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, यही होता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जज थॉम्सन ने, जबकि दोस्तों याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम प्लस प्लस आयन, ये हीलियम के प्लस प्लस आयन होते हैं, और हीलियम की खोज किसने करी है? लोकेयर ने। अल्फा पार्टिकल, इसकी खोज किसने करी है? अल्फा पार्टिकल की खोज किसने करी है? तो याद रखिएगा इसकी खोज करी है रदरफोर्ड ने। इन तथ्यों को भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगले मुद्दे पर चलते हैं हम लोग। अगला मुद्दा, अगला सवाल, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? अरे ये कुछ नहीं होता है, है ना। चलिए सेशन को सभी लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक शेयर करिए सेशन को। जब इस सवाल की दोस्तों बात करते हैं तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किसके कारण? दैट इज ड्यू टू वायरस। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? रैबीज, है ना। रैबीज आपको पता है रॉब द वायरस के कारण होता है। रैबीज का टीका किसने? लुई पास्टर ने डेवलप किया। वायरस की खोज किसने करी? इवानोवस्की ने, जब वो टीएमवी डिजीज, टोबैको मोजाइक वायरस जो आपका बीमारी था, उस डिजीज के ऊपर क्या कर रहे थे? टोबैको मोजाइक डिजीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने वायरस की खोज करी थी। वायरस जो होता है दोस्तों याद रखिएगा एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, है ना। और वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का एक लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द लेयर ऑफ प्रोटीन अबव वायरस, है ना। ये दोस्तों लिंक है किसके बीच का? लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच का, आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो इसके ऊपर प्रोटीन का जो एक लेयर होता है ना उसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं उसे? कैप्सिड कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये है कहाँ पर? पुणे में। हाइड्रोफोबिया में बंदे को पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला सवाल, आरडीएक्स वॉज इन्वेंटेड बाय, आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल, सोडी, बर्जिलिन्स या फिर हैनिंग? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, इट इज ए एक्सप्लोजिव, है ना, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, इसका आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल की भी आप बात याद करिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट, है ना। और डायनामाइट का खुद आविष्कार जो किया था इन्होंने, किसने किया था? गन पाउडर यानी जिसे हम कहते हैं बारूद। और बारूद को किसने डिस्कवर किया था? याद रखिएगा रोजर बैकन ने दोस्तों बारूद का आविष्कार किया था, रोजर बैकन ने, है ना। लेकिन जो आरडीएक्स है ना, आरडीएक्स वॉज इन्वेंटेड बाई हैंस हैनिंग ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था, इस चीज को भी आपने याद रखना है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 3.8, 6.6 और 8.0। मिल्क का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? मिल्क का पीएच मान क्या है? मिल्क का व्हाइट कलर कैसिन नामक प्रोटीन के कारण, कैसिन को डाइजेस्ट करता है रेनिन नामक एंजाइम। मिल्क का येलो कलर दोस्तों किसके कारण? तो याद रखिएगा मिल्क का येलो कलर होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। हम लोग जब बात करते हैं इस सवाल की, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 6.6। और पीएच वैल्यू, इसे दोस्तों पीएच स्केल, इसे डेवलप किसने किया? पीएच स्केल इज डेवलप्ड बाय हूम? पीएच स्केल इज डेवलप्ड बाय, याद रखिएगा, एसपी सोरेनसन। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल? निर्वात में केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक पिंड का स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, निम्नलिखित में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इस सवाल का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब दोस्तों कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ध्यान से समझिएगा, तो क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये बराबर होती है किसके? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये दोस्तों आपकी जो है ना ये क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दैट इज कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका, ये आपका नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल, रस्ट ऑफ व्हीट इज ए, गेहूं का रस्ट एक डैश रोग है। सिंपल सरल सा प्रश्न है, गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? बताइए। इट इज अ फंगल डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर या फिर इट इज बैक्टीरियल डिजीज?
उत्तर दीजिएगा। सेशन को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक सेशन को आप लोग लाइक भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना। इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, रस्ट ऑफ वीट इट इज अ फंगल डिजीज। किसके कारण होता है दोस्तों? फंजाई के कारण होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। वीट की जब बात करते हैं, वीट में दोस्तों एक एसिड होता है, याद रखिए, ग्लूटैनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ग्लूटैनिक एसिड होता है। और वीट के बारे में दोस्तों याद रखना है, वीट का जो साइंटिफिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टेवियम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टेवियम, ये दोस्तों इसका साइंटिफिक नाम है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुविधा है तो बताइए। नेक्स्ट है अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रोडेंटिसाइड, है ना, यानी कि रोडेंटिसाइड यानी चूहों को मारने के रूप में, इसमें से किसका यूज किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का, जिंक कार्बोनेट का, जिंक क्लोराइड का और जिंक सल्फाइड का। ठीक है, किसका यूज करते हैं चूहे को मारने के लिए? चूहे को मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रोडेंटिसाइड के रूप में किसका यूज करते हैं? तो ZnP, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड, है ना, ZnP का यूज करते हैं। ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इसका यूज कहां पर करते हैं दोस्तों? आयरन के गल्वनाइजेशन में। आयरन के गल्वनाइजेशन, गल्वनाइजेशन मतलब यानी जस्तीकरण। आयरन को जंग से बचने के लिए जो लेप लगाते हैं ना दोस्तों, वो जिंक क्लोराइड का ही लगाते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, है ना, जिंक कार्बोनेट, इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, किसका? कैलामिन, जो है ना, जिंक का जो एस्क होता है ना आपका, कैलामिन, कैलामिन का ये दोस्तों फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं जिंक कार्बोनेट। इस चीज को भी याद रखिएगा। एक होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? व्हाइट विट्रियॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? व्हाइट विट्रियॉल, या फिर इसे दोस्तों सफेद थोथा कहते हैं। इस चीज को भी आपने याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला सवाल, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि हम अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम या नन ऑफ द अबव? उत्तर दीजिएगा। हाँ, ZnO को फिलोसोफर वुल कहते हैं, ZnS को जिंक ब्लेंड कहते हैं, बिल्कुल। ये भी क्या है आपका? एस्क है किसका? जिंक का। ठीक है, उत्तर दीजिएगा इस सवाल का। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जैसा कि हम अवधि यानी कि आवर्त के दौरान बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्या होता है? तो ये दोस्तों करेगा क्या? ये करेगा इंक्रीज। सबसे ज्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? क्लोरीन की होती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। जबकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है, यह आपको बताना है। अर्थ एंड द सन, अर्थ एंड द मून, जुपिटर एंड द सन या प्लूटो एंड द सन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, याद रखिएगा, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस, इनमें से किस भौतिक राशियों का समान आयाम है? काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, वर्क एंड टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशंस, पूछा जा रहा है सेम डायमेंशंस किसका किसका है इसमें, सेम डायमेंशंस किसका किसका होगा इसमें, ये आपसे पूछ रहे हैं, तो फटाफट इसका आप लोग उत्तर दीजिए। अच्छा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का होगा क्या? नहीं। ठीक है, हाँ, वर्क एंड टॉर्क, है ना, वर्क एंड टॉर्क, ठीक है, ये इसका हो सकता है। ठीक है, बिकॉज देखिए, वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और इसका क्या होता है? फोर्स इंटू टॉर्क का। तो दोस्तों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर, और इसका भी क्या? न्यूटन मीटर। अब इसके डायमेंशंस को चेंज करोगे तो आपका डायमेंशन क्या होगा? दोनों का सेम होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। फटाफट आप लोग उत्तर बताइए, डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन सेकेंड। सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें। आपको बता दूं, सॉलिड एंगल का जो दोस्तों यूनिट होता है दैट इज स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का दोस्तों रेडियन होता है, और आपको याद रखना है पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। इस चीज को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, मैलिक एसिड इज फाउंड इन द, मैलिक एसिड किस में मिलता है? एप्पल, विनेगर, मिल्क या लेमन्स?
मैलिक एसिड आपको किस में मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। मैलिक एसिड किस में मिलता है, एप्पल में, वेनेगर में, मिल्क में या लेमन्स में? याद रखिएगा दोस्तों, मैलिक एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल का लाल रंग किसके कारण होता है, रेड कलर किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। एप्पल का जो हिस्सा, जो भाग हम लोग खाते हैं, दैट इज फ्लैसी थैलेमस। फ्लैसी थैलेमस यानी मांसल पुष्पांसन होता है। वेनेगर जिसमें दोस्तों एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3, याद रखिएगा COOH है ना। ये दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, इथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। लेमन में दोस्तों याद रखिएगा साइट्रिक एसिड होता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा ग्रुप्ड अंडर। मलेरिया का पैरासाइट है और अमीबा जो है उसे किसमें, किस ग्रुप में रखेंगे हम लोग? प्रोटोजोआ में रखेंगे, पॉरीफेरा में रखेंगे, साइलेंट रेटा में रखेंगे या एनीलिडा में रखेंगे? उत्तर दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट, उसका नाम क्या है, दैट इज प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम किधर मिलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। मलेरिया में क्या होता है, आपका कोल्ड विथ फीवर, ठंड के साथ आपको बुखार होता है। मलेरिया की जब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुनाइन की दवा का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन मलेरिया का पैरासाइट जो है और अमीबा, इसे दोस्तों हम किस में रखते हैं, प्रोटोजोआ। किस में रखते हैं, प्रोटोजोआ किंगडम में रखते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, स्लीपर शेप एनिमल स्लीपर आकार का जानवर है कौन, अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपोन सोमा या फिर इनमें से कोई नहीं? आसान सवाल है, हाँ, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले खोज करी थी जो अमीबा है ना, अमीबा सॉरी जो मलेरिया है, मलेरिया के पैरासाइट की खोज सबसे पहले किसने करी थी, तो रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, याद रखेंगे। जब बात करते हैं दोस्तों स्लीपर सेप वाला जो एनिमल है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, पैरामीशियम को, है ना, किसे कहते हैं हम लोग, पैरामीशियम। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन है ट्राइपोन सोमा। ये भी दोस्तों एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस या जिसे हम निद्रा रोग कहते हैं। इसमें दोस्तों हमारा अंग कौन सा प्रभावित होता है, याद रखिएगा पीनियल ग्लैंड। और किसका सिक्रेशन बढ़ जाता है दोस्तों, एक हार्मोन का सिक्रेशन जिसे हम कहते हैं रात या अंधेरे का हार्मोन, जिसका नाम है दोस्तों मेलाटोनिन। क्या नाम है जिसका, मेलाटोनिन, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका एसआई यूनिट क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेशन को आप लोग शेयर भी करें, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। हम जब बात करते हैं दोस्तों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन वॉट, स्ट्रेन का दोस्तों फॉर्मूला देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो दोस्तों नीचे वाला कट के आपका यूनिट लेस, ऊपर वाला फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ये समझ में आना चाहिए, स्ट्रेस का हो चाहे आपका फोर्स का हो, सॉरी चाहे प्रेशर का हो चाहे आपका यंग्स मॉडुलस का हो, इन सभी का ऐसा यूनिट एक ही होता है। क्या होता है वो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये न्यूटन पर मीटर, ये किसका दोस्तों यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, किसका, पृष्ठ तनाव का। और ये डाइन पर सेंटीमीटर, ये भी सरफेस टेंशन का ही यूनिट है, बट इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस में आपका जो मात्रक है वो है डाइन पर सेंटीमीटर, किसका, सरफेस टेंशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, डबल बॉन्ड ऑकर्स इन, डबल बॉन्ड किस में होते हैं, CH4, C2H6, C2H4 या फिर C2H2? डबल बॉन्ड किस में मिलेगा आपको, ये आपसे पूछ रहे हैं। डबल बॉन्ड आपको किस में मिलेगा, हाँ जी बताइए। सेशन को दोस्तों आप सभी छात्र शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अधिक से अधिक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सेशन को। इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा डबल बॉन्ड आपको किस में मिलता है, ये मिलता है आपको
एथीन, क्योंकि आपको पता है एल्केन, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्किन में आपका डबल बॉन्ड है ना, और आपका एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, और इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या मीथेन है, ये क्या इथेन है, ये क्या आपका याद रखिएगा इथाइन है ना, या जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, जिसका यूज दोस्तों कहाँ पर फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए गैस वेल्डिंग में करते हैं, जिसको दोस्तों बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड पर क्या छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं। तो ये दोस्तों क्या बनाता है, C2H2, और क्या बनाता है, CaO बनाता है ना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, C2H4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया, ये जो है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है अगला सवाल, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ऑकर्स बाय, कैटायन का निर्माण कैसे होता है, घनायन या धनायन, इसका निर्माण कैसे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। इजी क्वेश्चन है, आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों कैसे, तो याद रखिए बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन में कमी होती है ना, तब जाकर आपका क्या होता है, कैटायन का निर्माण होता है। सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो लाइट का कलर होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, वो उसके एम्पलीट्यूड के द्वारा, या उसके वेवलेंथ के द्वारा, या फिर उसके इंटेंसिटी के द्वारा, या फिर उसके वेलोसिटी के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कलर ऑफ लाइट होता है ना, लाइट का जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा इट डिपेंड्स ऑन देयर वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड, रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज मिनिमम, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति डैश होती है, कितनी आवृत्ति होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की, ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हाउ मच, अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी हाउ मच, तो याद रखिएगा दैट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, डिस्पर्स्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन, या स्टिमुलेटेड रेडिएशन। जिसको भी देखो फुल फॉर्म पता होगा ना इसका, वो इसका सही उत्तर देगा, जिसको भी इसका फुल फॉर्म पता होगा वो इसका सही उत्तर देगा कि लेजर एक डिवाइस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लेजर एक डिवाइस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये आप लोग इसका उत्तर देंगे। तो लेजर की जब बात करते हैं दोस्तों, इसका पूरा मतलब ये लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। और याद रखिएगा दोस्तों, इसकी खोज किसने करी है, थियोडोर मेमन, थियोडोर मेमन ने इसे खोजा था, और इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड रेडिएशन इज द राइट आंसर, सही उत्तर इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वॉट बल्ब, ध्यान से सवाल को पढ़िए फिर आप लोग इसका उत्तर दीजिए। 100 वॉट बल्ब इज केप्ट स्विच्ड ऑन फॉर 4 आवर्स, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज, कादर एक 100 वाट का बल्ब है, उसे 4 घंटे के लिए जला कर रखते हैं, 100 वॉट × 4 आवर यानी 400 वॉट आवर, या फिर दोस्तों ये कितना होगा, 0.4 किलो वॉट आवर, 0.4 किलो वाट आवर यानी 0.4 यूनिट, बिकॉज एक यूनिट का मतलब क्या, 1 किलो वाट आवर, सही उत्तर क्या, डी। किसी सज्जन को कोई तकलीफ परेशानी है तो बताइए, ठीक है, चलो आगे, आगे चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, ट्रांसवर्स सेलेक्शन ऑफ एन ओल्ड ट्री स्टेम, सो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन ओल्ड ट्री स्टेम सो 50 एनुअल रिंग्स, द एज ऑफ ट्री विल बी, एक पुराने पेड़ के तने का अनुप्रस्थ भाग 50 वार्षिक वाले दिखाता है, वृक्ष की आयु होगी कितनी, ठीक है, वृक्ष की आयु होगी कितनी। अरे भैया पावर नहीं पूछ रहे, कुछ भी मतलब यहाँ पर लिख देना, सवाल को देखना नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, पावर नहीं पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, आपको बताया था जितने नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं उतना ही क्या होता है, प्लांट का ईयर मतलब क्या होता है, एज होता है। और इस प्रोसेस, इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
इसका सही उत्तर क्या है, 50 ईयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेटल विद मैक्सिमम डेंसिटी हियर इज, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा इसमें, आयरन, मॉलिब्डेनम, पारा या ऑस्मियम। हाँ लेकिन पावर तो अलग होता है ना, वहां पर आपका पावर दिया, क्या दिया गया है बताओ, तो कुछ भी निकालना है। हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछ रहे हैं वहां पर आपसे, कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। हाँ चलिए, कितनी यूनिट आपसे पूछ रहे हैं ना, जूल में तो आपसे नहीं पूछ रहे कितनी जूल एनर्जी कंज्यूम होगी, और आपको बताया गया एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, फिर इसमें क्या मतलब वो हो रहा है, यूनिट में आपका आंसर है ना, जूल में आंसर है, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसमें आपका किस में है उत्तर, यूनिट में है कि यहाँ पर क्या है, जूल में है। हाँ आपको पता है ना कि 1000 वाट आवर या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। हाँ जूल अगर होता तो फिर आप कह सकते थे 2500। चलिए नेक्स्ट है, मेटल विद मैक्सिमम डेंसिटी जो यहाँ पर वो क्या है, ऑस्मियम, एच जी जो है इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर है ना, या इसे लिक्विड मेटल कहते हैं, ठीक है। एच जी का जो अयस्क होता है, ओर होता है, वो दोस्तों एक तो होता है सिनेबार, और एक मतलब जिसका फॉर्मूला एच जी एस, और एक होता है कैलोमल जिसका एच जी टू सी एल टू, ये फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ग्रीन ईयर डिजीज जो है ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन ईयर डिजीज जो है ये किससे रिलेटेड है ना, मस्टर्ड से, पैडी, बाजरा या फिर ग्राउंडनट। ग्रीन ईयर डिजीज याद रखिएगा ये रिलेटेड है दोस्तों किससे, बाजरा से, ठीक है, बाजरा से रिलेटेड है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, अभी अभी हम लोगों ने देखा स्लिपिंग सिकनेस किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास, ट्राइपोनोसोमा, लीशमानिया या प्लाज्मोडियम। सभी के बारे में पता है आपको, प्लाज्मोडियम क्या है, इसके कारण क्या होता है, मलेरिया। लीशमानिया इसके कारण क्या होता है दोस्तों, लीशमानिया डोडा बनी बताओ, है ना, लीशमानिया डोडा बनी क्या होता है इसके कारण, कालाजार, है ना, क्या होता है, कालाजार। ट्राइपोनसोमा इसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसके कारण होता है आपका स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, निद्रा रोग। ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्रोटोजोआ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अकट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स, एक तरासा हुआ हीरा किस वजह से चमकता है, इसके हार्डनेस के कारण, इसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, एमिशन ऑफ लाइट बाय द डायमंड या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द डायमंड। एक डायमंड जो होता है वो आपका चमकता है, टिमटिमाता है, वो किसके कारण, क्यों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये चमकता है मतलब टिमटिमाता है किसके कारण, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, कितना होता है, 2.42, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण भी ऐसा होता है। और याद रखेंगे यहीं पर आप कि दोस्तों ये जो आपका डायमंड है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये है आपके सूरत में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, द रीज़न ऑफ मिराज, मिराज जो होता है दोस्तों ये क्यों फॉर्म होता है, मिराज जो होता है वो क्यों फॉर्म होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के कारण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कारण, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑफ लाइट के कारण, बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों जब बात करते हैं मिराज की, मिराज जो बनता है ये किसके कारण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए इंडोस्कोपी में, ऑप्टिकल फाइबर में, मिराज के फॉर्मेशन में, हर जगह किसका यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब लाइट किससे, डेंसर से, किस मीडियम में मूव करती है, रेयर मीडियम में मूव करती है, तभी आपका ऐसा पॉसिबल होता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला सवाल, Which one among the following metal is used for making boats because it does not corrode by sea water? निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह समुद्र के पानी से नहीं गलती है? टंगस्टन है, निकल है, एंटीमनी है या टाइटेनियम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 काफी अच्छा क्वेश्चन है। टंगस्टन, टंगस्टन की जब बात करते हैं दोस्तों, इससे बनता है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहले इन्वेंट करा,
निकल निकल जब दोस्तों आया, निकल के साथ आप क्रोमियम मिला दो तो बना देता नाइक्रोम, जिससे आपका हीटर का और आयरन का कॉयल बनता है, एंटीमनी है ना। एंटीमनी का आपको पता है अयस्क होता है स्टेबनाइट, और एंटीमनी, और दोस्तों जब एंटीमनी और किसे आप मिलाओगे, जब आप एंटीमनी और लेड इसे मिलाते हो ना, लेड और एंटीमनी को आप मिलाते हो तो ये बनाता है दोस्तों टाइट मेटल। यहाँ पर दोस्तों इसका से उत्तर है टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम जो होता है ये समुद्र के पानी में नहीं गलता है। नेक्स्ट है, इस सवाल में थोड़ा सा मुझे गायब होना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ तो चलो मैं कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाता हूँ ताकि आप लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ लो। कहा जा रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम एज सजेस्टेड बाय बोर इज, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जैसा कि बोर द्वारा सुझाया गया है क्या है? टू इन के ऑर्बिट, सिक्स इन एल ऑर्बिट, 18 इन एम ऑर्बिट। इसी तरह आप अलग अलग ऑप्शंस को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हाँ जी, सवाल को पढ़िए ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लिया सभी ने? ठीक है, मैं अब प्रकट हो जाऊं? चलिए तो अब मैं प्रकट हो गया हूं, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। यहां पर देखिए, जो बोर ने कहा था कि टू एन स्क्वायर, ठीक है, टू एन स्क्वायर रहेगा, एन जहां पर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पर दोस्तों देखिए, आपका के जो है सबसे पहला होता है, के के लिए एन इज इक्वल टू वन होता है, टू एन, टू एन स्क्वायर यानी टू। एल के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू टू, यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एट। और एम के लिए कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री का स्क्वायर यानी 18। तो के में टू, एल में एट, और एम में कितना दोस्तों, 18। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, अगला सवाल है, अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लान मिरर अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। कह रहा है एक पर्सन 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है प्लान मिरर के, और मिरर की ओर वो 40 सेंटीमीटर बढ़ता है। कह रहा है द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज इन द प्लान मिरर इज। आसान सवाल है, आसान सवाल है, सवाल का आप लोगों को उत्तर भी दिख रहा होगा, है ना। आप लोग इसका उत्तर दीजिए, 60 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर, 1.4 मीटर और 2 मीटर, उत्तर दीजिएगा। सेशन को आप सभी बच्चे अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करते रहें, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये प्लान मिरर है, ध्यान से समझिए, ये आपका प्लान मिरर, 1 मीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा था, इसका इमेज आपका 1 मीटर इधर पीछे बना, ये 40 सेंटीमीटर इधर बढ़ा तो इसका भी 40 सेंटीमीटर, ये भी इधर बढ़ेगा, यानी कि अब इसके बीच में 60 सेंटीमीटर दूरी, और यहां पर इधर भी 60 सेंटीमीटर दूरी, यानी जोड़ दो कितना हो गया, 60 प्लस 60, 120 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया, 1.2 मीटर, कितना हो गया, 1.2 मीटर, है ना। सभी को क्लियर, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल है, बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टू गो फ्रॉम इट्स ओरिजिन ऑफ इट्स डेस्टिनेशन एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू रिटर्न टू द ओरिजिन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, है ना। यहाँ पर दोस्तों मैं ऑप्शन आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला है दोस्तों 55.55 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 55 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 54.55 किलोमीटर पर आवर, और चौथा है 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड आपने निकालनी है, एवरेज स्पीड आपने निकालनी है तो देखो क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड टोटल टाइम टेकन, है ना। तो आपका टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज 300 प्लस 300 यानी 600, ठीक है। लेकिन जो आपका टोटल टाइम टेकन होगा वो दोस्तों क्या होगा, जाते समय तो 300 अपॉन 50 यानी कितना टाइम लगेगा आपका, 6 आवर, है ना। और आते समय आपका 300 अपॉन 60 यानी कितना टाइम लगेगा, 5 आवर, है ना। यानी कि कितना हो जाएगा, 600 अपॉन कितना 11। अब इसे सॉल्व करो, 11 5 55, 5 यहां पर रहेगा, है ना, 5, एंड देन 11 4 44, देन आपका 6 रहेगा, फिर आपका 11 5 55, फिर आपका क्या रहेगा, यानी कि 54.55 किलोमीटर पावर, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई आर इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर मेड अप ऑफ कॉपर्स, है ना। फटाफट इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्म पानी के गीजर का आंतरिक स्तर तांबे से क्यों बनाया जाता है। कॉपर हैज लो हीट कैपेसिटी, कॉपर हैज हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जो उत्तर है, इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखेंगे, दैट इज कि कॉपर जो होता है ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला सवाल, इफ ए शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर, अगर एक शिप है वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव करती है, अगर वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव करती है तो क्या होता है, बताइए। हाँ जी, एक फ्रेश वाटर अगर सी वाटर में मूव करती है तो क्या होता है, सिंक कंप्लीटली, सिंक अ लिटल बिट, राइज अ लिटल हायर, या फिर रिमेन अनअफेक्टेड। दोस्तों देखो, सी वाटर की डेंसिटी जो होती है ना, वो फ्रेश वाटर से क्या होती है, अधिक होती है। सी वाटर ज़्यादा डेंस होगा तो वहाँ पर दोस्तों ये जो आपका सिप है, जब आपका फ्रेश वाटर सी वाटर में जाएगा तो थोड़ा सा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, राइज लिटल। नेक्स्ट है, व्यू फाइंडर्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द व्हीकल बिहाइंड आर मेड अप ऑफ, वाहनों के पीछे की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दृश्यदर्शी किससे बने होते हैं, प्लान मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या ध्यान से सवाल को उत्तर दीजिए, ध्यान लोग इसे ध्यान से सवाल को पढ़िए, फिर इसके बाद आप लोग उत्तर दीजिए। व्यू फाइंडर्स जो होते हैं आपके, व्यू फाइंडर्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, व्यू फाइंडर्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। है ना यार, ये क्या हो रहा है, बफरिंग। चलिए, इट इज मेड अप ऑफ, याद रखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये उत्तल दर्पण के बने होते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 1 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 1 newton इट मूव्स विथ, इजी क्वेश्चन, आसान सवाल है, आसान प्रश्न है। यदि 1 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 newton के बल के अधीन किया जाता है तो वह डैश के साथ चलती है, स्पीड ऑफ 1 m/s, स्पीड ऑफ 1 km/s, एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s² या एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s², वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल। जब बात करते हैं दोस्तों, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एमए, एफ इज 1 newton, मास इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, 1 m/s², यानी सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अ पैसेंजर इज मूविंग, पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए 5 rupees कॉइन, विद अ कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म, कहा जा रहा है चलती ट्रेन में एक यात्री 5 rupees का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन को स्थिर डैश के साथ चल रही है, ट्रेन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड के साथ चल रही है या फिर वेलोसिटी के साथ चल रही है। आपको पहले भी ये कंडीशन मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार इस कंडीशन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में पहले भी। अगर दोस्तों कोई भी सिक्का ऐसे उछाला, सिक्का हाथ में आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन है, सिक्का उछाला सिक्का पीछे गया तो इसका मतलब कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, सिक्का उछाला सिक्का आगे गया तो दोस्तों रिटार्डेड मोशन है, यानी कि सही उत्तर क्या है इसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ वाटर अरे एक सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर ही आ गया, इफ वेस्ट मैटर विल कॉन्टेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड। तो स्कर्वी तो दोस्तों विटामिन सी के कारण होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से दोस्तों क्या होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, अनिमिया दोस्तों आयरन की कमी से होता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, टाइफाइड, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इस बैक्टीरियल डिजीज जो है दोस्तों किस बैक्टीरिया के कारण होता है, सोलमोनेला टाइफी, इसे हम आंत का बुखार या फीवर ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, इस टाइफाइड के जाँच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, Which test is done for the test of typhoid?
हाँ, वाटर बॉर्न डिजीज है, कॉन्टिमिनेटेड वाटर के कारण होता है, टाइफाइड भी और कॉलेरा भी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी बताओ क्या होगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट किया जाता है फॉर टाइफाइड? याद रखिएगा, दैट इज वाइटल टेस्ट। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच, एक एसिड एक पदार्थ है जो डोनेट करता है एक प्रोटोन, एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन, आयन देता है कौन सा, एच प्लस या फिर ऑल सभी? कल आपकी क्लासेस दोस्तों 11 AM पर तो होगी ही होगी, देन आपकी क्लासेस जो होगी कल वो होगी दोस्तों कितने बजे, याद रखिएगा एट 1 PM, एंड इसके बाद होगी एट 3 PM, एंड ये दोनों दोस्तों आपके अनअकैडमी के ऐप पर होगी। 1 बजे हम लोग साइंस में हर्ट के सवाल देखेंगे, एंड 3 PM पर दोस्तों हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आज पेट के एग्जाम में पूछे गए होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और दोस्तों फिर 7 PM पर आपकी क्लास होगी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी होगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा दोस्तों किसका एक हिस्सा है? सेशन को आप लोग लाइक भी करिए, सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करिए। हार्ट का, ब्रेन का, मस्तिष्क का, मतलब लंग्स का, स्टमक का, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पता है आपको, उल्टी जो वॉमिटिंग होता है उसका नियामक केंद्र होता है, रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को, पल्स रेट को, इन सभी को रेगुलेट करता है कौन? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। और ये दोस्तों किसका पार्ट होता है? हमारे हिंड ब्रेन का, यानी पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। पुरकंजे फाइबर ये कहां पर मिलता है दोस्तों? हार्ट में। सेप्टम कहां पर होता है दोस्तों? ये होता है आपके हार्ट में। लंग्स में क्या होता है? एल्वियोली होता है, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं प्लुएरा मेम्ब्रेन। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, याद रखिएगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और ब्रेन के ऊपर जो दोस्तों एक मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं मैनिंग्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? मैनिंग्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है? डायामीटर है ना, उसके बाद एरकेनॉइड, और उसके बाद क्या होता है? पायामीटर होता है, है ना। और स्टमक की जब बात करते हैं, स्टमक की जो मतलब वॉल होती है ना, उसकी इनर लाइनिंग्स जो होती है, स्टमक वॉल के अंदर एक इनर लाइनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? म्यूकस कहते हैं, जो स्टमक वॉल को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, सेलुलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम या बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स? उत्तर दीजिएगा इसका। अगला सवाल आपके प्रश्न के, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेलुलोज बनता है इससे रेयॉन, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, बनता है इससे कागज, पेपर, है ना। इट इज अ पॉलीसैकेराइड, इसका डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होता। और दोस्तों जो प्लांट सेल होते हैं उसके जो सेल वॉल होते हैं ये किससे बने होते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों ये तो किससे बना होता है? ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। और ये क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसके अंदर। इंसेक्ट्स की जब बात करते हैं दोस्तों, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी। और इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ट्रैकिया और विंडपाइप, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट इंसुलिन, इसमें से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? अल्फा, डेल्टा, नर्व, बीटा, कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है ये आपसे पूछ रहे हैं। इंसुलिन ये करता क्या है? ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है दोस्तों? कम करता है ना। ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कम करता है, आपको पता है ना। और ये दोस्तों कहां से सीक्रेट होता है? ये होता है बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है ना उसके बीटा कोशिका से सीक्रेट होता है। इंसुलिन को इन्वेंट किसने करा था? इंसुलिन को इन्वेंट करा था दोस्तों एफ बेंटिंग, नाम दिया था बेस्ट बेंटिंग, और बेस्ट ने इसे मतलब इन्वेंट किया था। इसमें जस्ता नामक तत्व होता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। कौन सा तत्व होता है इसमें? जडन यानी जिंक नामक तत्व होता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी है तो बताइए। तो ये थे दोस्तों आज के 50 सवाल, हम लोग कल भी कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस करने का इसके सेट 3 में। ये दूसरा सेट था, कल होगा तीसरा, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा चलता रहेगा। कल दोस्तों आपकी 3 क्लासेस होगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक होगी आपकी 11 AM पर, है ना, और आपकी होगी 1 PM और 3 PM, दोनों ही समय आपकी अनअकैडमी के ऐप पर होगी। 1 PM पर होगी दोस्तों जिसमें हम देखेंगे साइंस के हर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 3 PM पर दोस्तों हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस में आज जो PET के एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। सेशन दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड दिस इज़ माई कोड, इस कोड को यूज़ कर सकते हैं आप फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी के ऐप पर 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बताइए क्या है चंदन जी, सवाल क्या है बताएं आप, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बताइए। हाँ जी चंदन जी सवाल बताइए क्या है। हाँ बताइए सवाल तो बताइए आप। सॉलिड में फ्लो कैसे होता है मुक्त? वैसे ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आप ऐसा करो क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल देना, मैं देखता हूँ वहाँ पे, है ना, उसका मैं उत्तर दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा या फिर कल ऐप पे जब क्लास होगी ना तो वहाँ पर आप मतलब फोटो खींच के उसमें डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू।